तो क्या हाल है मेरे भाई? ओके, आज बहुत दिनों बाद हम उस ब्रांड को उठा कर लाए हैं जिसको हम भूल ही गए थे, जिसकी बात बहुत महीनों से नहीं हो रही थी, और वो है लताफा। लताफा देखो अभी भी अच्छा बिक रहा है, लताफा मार्केट में चल रहा है। लताफा के परफ्यूम नो डाउट जिस बजट में आते हैं वो अच्छे होते हैं, पर हम थोड़ा सा ऊपर जब हम क्वालिटी में बढ़ चुके हैं काफ़ी टाइम से, आप देख रहे हो थोड़ा हाई क्वालिटी साइड में हम जा रहे हैं, थोड़े एक्सपेंसिव टाइप के डीएनए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मेरा लास्ट आई गेस तो परचेज, मेरे को वैसे ध्यान नहीं जेनविनली, ये मुझे बहुत पसंद आया था। परचेज तो होते रहते हैं पर ये मुझे पसंद आया था लास्ट टाइम, तब ये इंडिया में था नहीं, ऑलमोस्ट 4 5 6 महीने बाद ही आया है, और ये अभी भी बहुत अच्छा पिक है। ये यूनिसेक्स खुशबू है, अच्छा है, पर आज हम इसकी बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं लताफा की महंगी जो सीरीज़ आती है प्राइड सीरीज़, उसमें जो आता है नेब्रास, इसके बारे में मैं चाहता हूँ इसके बारे में सब बंदों को पता लगे। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही, एक आधी लिस्टिंग में मैंने इसका मेंशन देखा पर इसके कभी किसी रिव्यू की बात नहीं हुई। भारी फेमस है, ठीक ठाक, पर उतना नहीं जितना खामरा है। मुझे ऐसा लगता है खामरा को जो हाइप मिली है वो इसको मिलनी चाहिए थी। ये ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल, और ये बीस्ट मोड है। ये वैसा बीस्ट मोड नहीं कि 8 घंटे लॉन्जिविटी 12 घंटे लॉन्जिविटी, मैंने अपने कपड़े पर 7 और 8 दिन तक इसको स्मेल किया हुआ है। मर्ज की तो 3 दिन की बात थी, ये 7 8 दिन की बात है, और ये मर्ज से सस्ता है, मर्ज से ज़्यादा क्वान्टिटी में आता है, और एक हिडन जेम है। आज बात करते हैं हम लताफा की तरफ से आने वाले नेब्रास की। ये इनकी प्राइड सीरीज में आता है, आपने प्राइड सीरीज में बहुत सारे देखे होंगे, अल्कियाम सिल्वर, शाहीन सिल्वर, ऐसे बहुत सारे परफ्यूम्स हैं। मैंने ट्राई किया, मेरे को ठीक लगे, ओके डिसेंट लगे, पर मेरे को ऐसा सच कोई नहीं लगा कि वो खरीदने लायक हो। ये ऐसा था, इसको स्मेल करते मेरे को ऐसा था ये अभी अभी चाहिए, और मैं उठाकर लाया इसको, और बहुत दिन हो गए इसको लाए हुए। अब एक बार इसका जरा आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसका बॉक्स होता है, लेदरिश टाइप की फील है पूरे बॉक्स में, अच्छा फील है इसके अंदर, और ऐसे ही ये खुलता है, अंदर परफ्यूम सेट करता है बड़ी शान से। ये देखो इस तरीके से इसका बॉटल है, बड़ा सुंदर सिंपल बॉटल है, जिस तरीके की मिनिमल बॉटल मैं पसंद करता हूँ वो है। सामने बड़ा अच्छा सा चकरा बना हुआ है, पता नहीं क्यों है पर हाँ अच्छा लग रहा है। कैप कुछ ना कुछ इसकी रोजा जैसी है, रोजा एलिजियम आपने परफ्यूम सुना होगा, उसकी जैसी कैप है, बस इसमें वो हीरे मोती नहीं जड़े हुए, और कैप का वेट ठीक है, ओके है, डिसेंट है, मतलब और भारी हो सकता था, ये जो फिनिशिंग है ये और अच्छी हो सकती थी, पर देखो शिकायत नहीं करते, ये लताफा है, ये जूस की बात करता है, महंगे डीएनए देता है, और क्वालिटी ओके ही होती है, नॉट द बेस्ट पर हाँ ओके ही होती है, इस प्राइस ब्रैकेट में ठीक है, पर ये उस प्राइस ब्रैकेट से ऊपर आ चुका है, ये 1500 1700 से ऊपर है। ये 2500 का फ्रेग्रेंस है, 2500 का ही मिलता है, और मुझे 23 का पड़ा क्योंकि मैंने ऑफलाइन जाकर लिया था, और इसका एक बार क्लिक भी आपको सुना देता हूँ, क्लिक बहुत डिसेंट है और ठीक है, पर इसमें एक कमी है जो मुझे, इसमें दो कमी है ओवरऑल, इस पूरे परफ्यूम में दो ही कमी है। पहला तो है इसका स्प्रेयर, आप स्प्रेयर देखो, यही इसके स्प्रे हैं, बहुत छोटे छोटे स्प्रे हैं, मजा नहीं आया इसके स्प्रे में। और एक बात बता रहा हूं, जितने मैंने स्प्रे किए, ये जहां भी सिट कर रहे हैं ना, मेरे हाथ पे किया, ये टेबल पे किया, ये जहां भी कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट करेगा, ये 1 2 दिन तक प्रोजेक्ट करेगा, जब भी मैं बैठूंगा मुझे खुशबू आएगी इसकी, ये इसकी बहुत तगड़ी बात है। और आपको इसका कैरेक्टर भी बताता हूँ, जैसे आपको लग रहा होगा बहुत प्रोजेक्ट करता है, बहुत लास्ट करता है, तो ये ज़रूर चढ़ने वाली खुशबू होगी। लास्ट टाइम पे मर्ज था, मर्ज मैंने बताया था थोड़ा मैच्योर है ओपनिंग में, ये कोई भी लगा सकता है, उसको स्कूल का 14 साल का लड़का भी लगा सकता है, और उसी टाइम पर इसको एक लड़की भी लगा सकती है, किसी भी एज का हो सकता है वो पर्सन, लड़का भी लड़की भी, टोटली यूनिसेक्स खुशबू, वेरी गुरमोंडिश वेलकमिंग वार्म खुशबू। आप इसको गर्मियों में शाम के बाद कभी भी लगा सकते हो, धूप में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठंडी मॉर्निंग्स या फिर अपना शाम के बाद, बहुत ब्यूटीफुल जमेगा। अब एक बार इसकी ज़रा बात करते हैं, सेंट प्रोफाइल में इसमें है क्या ऐसा कि मैं इसकी तारीफ नहीं रोक रहा। इसकी लॉन्जिविटी बढ़िया, प्रोजेक्शन बढ़िया, इसका रेट बढ़िया, प्रेजेंटेशन बढ़िया, कंपनी बिल्कुल ट्रस्ट की है। तो एक बार देख लेते हैं इसकी सेंट प्रोफाइल में क्या छुपा हुआ है, तो एक बार इसके नोट्स देख लेते हैं, इसके नोट्स में है क्या कि इसकी खुशबू इतनी बढ़िया हो गई और लॉन्जिविटी भी इतनी तगड़ी होगी। बींग लताफा, लताफा खुशबू अच्छी देता है पर लॉन्जिविटी हमेशा लताफा में नहीं मिलती। मैंने बताया था लताफा की 2 सीरीज़ है, एक तो ये बदी अलूद वाली सीरीज, इसके अंदर जितने भी फ्लैंकर्स हैं सबकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है। व्हाइट वाला मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ 19 है थोड़ा इनसे, बाकी ये सारे बहुत अच्छे हैं। और एक अनाबियत सीरीज, ये दोनों सीरीज मेरी फेवरेट है लताफा की तरफ से। बाकी लताफा के जितने भी परफ्यूम्स आते हैं मुझे ऐसा लगता है थोड़े मिड टीयर है, ओकेश है, मतलब अपना प्राइस जस्टिफाई कर देते हैं, खुशबू देगा पर लॉन्जिविटी देगा नहीं। एक बार देख लेते हैं इसके नोट्स क्या क्या है। ये जो अपना नेब्रास है इसकी ओपनिंग होती है रेड बेरीज और मैंड्रिन ऑरेंज से, मुझे रेड बेरीज का नोट्स इसमें नहीं ट्रैक हुआ, मुझे ऑरेंजी इसमें और थोड़ी फ्रेश ओपनिंग लगती है, हल्का सा एल्कोहल ब्लास्ट भी लगता है। मैंने कहा था स्टार्ट होती कि इसके अंदर दो कमियां हैं, एक इसका एटमाइजर है और इसका एल्कोहल ब्लास्ट है। एल्कोहल ब्लास्ट ज्यादा नहीं आता, 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम आएगा, वो भी जब आप लगाते ही स्मेल कर लोगे किस तरीके से, एक बार मैं वो भी दिखा देता हूं। अभी आया मतलब जब आप उसको सेटल होने दो, जब हो गया अब आया हल्का सा हल्का सा, मैं कह रहा हूं 5 से 10 सेकंड तक रहता है, उसके बाद नहीं आता। एक बार अब ट्राई करें,
अब नहीं आया, 10-15 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, लगाते तो वैसे भी कोई नहीं स्मेल करता। आप कहीं ओकेजन पर जाते हो तो लगा कर जाते हो, ऐसा नहीं कि आप वहीं जाकर लगा रहे हो और लोगों को अल्कोहल ब्लास्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो वियरर होता है उसको ही अल्कोहल ब्लास्ट का सामना करना पड़ता है। तो 5-10 सेकंड कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी डील नहीं है, क्वालिटी अच्छी है इसके परफ्यूम की ओवरऑल, इस चीज़ को छोड़कर बस, ये कोई डील ब्रेकर नहीं है, ये मैनेजेबल चीज़ है। और मैंने बताया स्टार्टिंग में ऑरेंजी टाइप का और थोड़ा फ्रेश टाइप का ओपनिंग आता है, उसके बाद में भाई मैं बताता हूँ क्या आता है। आपको नोट्स पहले बताता हूँ, वनीला, ककाओ, रोज़, ये मिड नोट्स हैं, और बेस में शुगर, टोंका, एम्बर और मस्क, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि खुशबू है किस तरह की। ये थोड़ा स्वीट कैटेगरी में जाता है, पर ये मैं पहले बता देता हूँ, ये अल्ट्रा मेलो 9 PM जितना स्वीट नहीं है। ये बहुत राउंडेड, थोड़ा वार्म है, वेलकमिंग है, थोड़ी केक जैसी स्मेल है, जैसे आप केक शॉप में चले जाते हो। ये खामरा वाली कैटेगरी में, इसको कन्फ्यूज़ मत करना, खामरा इज सिनेमन एंड शुगर बॉम। मुझे बिल्कुल खामरा अपने लिए नहीं पसंद, एज अ परफ्यूम मैं उसको अप्रिशिएट कर देता हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे कलेक्शन में मिस आउट है। पर हाँ, खुशबू अच्छी अप्रिशिएबल है, पर उससे बहुत बहुत गुना बेटर मेरे को निब्रास लगता है। अब जैसे जैसे ये ड्राई डाउन की तरफ जाएगा, एक बार मैं ट्राई कर लेता उसका दोबारा से, बहुत वार्म और वेलकमिंग बन चुका है। इसके अंदर हल्के हल्के से स्पाइस आ रहे हैं, हल्का सा सिनेमन का असर आ रहा है, पर जो इसमें मेन जो नोट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं वनीला के, चॉकलेट के, ककाओ के। ऐसा लग रहा है आप किसी केक शॉप में चले गए, कैरेट केक अगर किसी ने खाया होगा उसकी बहुत अच्छी खुशबू देता है। ऐसा लगता है कि वनीला केक खा रहे हो, ड्राई टाइप का वनीला केक खा रहे हो। मैंने इसको अपने घर पे भी ट्राई करा, और बहुत कम ऐसे परफ्यूम्स हैं जो घर पर पास हो जाते हैं। बहुत इनऑफेंसिव टाइप के परफ्यूम्स होते हैं जो एक्चुअली घर वाले पास करते हैं, जैसे कि हो गया अपना ये अहमद अल मगरबी का काफ, ये फ्रेश परफ्यूम है, इसकी खुशबू किसी को ऑफेंड नहीं करती, अच्छा है, फ्रेश है, तो अच्छा लगता सबको। और जैसे कि हो गया अपना ब्लू दे शनेल, ये भी ठीक लगता है, इनऑफेंसिव है तो घर वालों को अच्छा लगता है। इस टाइप के परफ्यूम्स घर वाले थोड़ा सा हटते हैं, थोड़े स्पाइसी है, थोड़े समझ रहे हो ना, बूजी टाइप का भी इसमें मेरे को फील आता है। ये मैंने घर वालों को ट्राई करा है और मैंने छोड़ दिया उनको, मैंने कहा आप स्मेल करके बताओ खुशबू किस चीज़ की आ रही है। तो मेरे को ऐसे ऐसे इनपुट्स मिले, मैं खुद रिलेट करा, यार इनके नोट्स नहीं है इसमें, पर हाँ खुशबू तो वैसी ही है। पहला इनपुट आया कि मिठाई जैसा है, स्वीट, इसमें शुगर का नोट है, थोड़ा स्वीट चॉकलेटी वेनिलिक टाइप की इसमें मिठाई जैसा मैंने सुना, मैंने कहा हाँ यार ऐसा भी है। और एक ने कहा कि मेवे जैसा है, जैसे मीठा मावा नहीं होता, दूध का मेवा निकलता है उसके, मैं कहा हाँ बिल्कुल वैसा भी लग रहा है, बिल्कुल कंडेंस्ड मिल्क जैसा, आप समझ रहे हो, एक मुझे खुद इसमें मीठे दूध जैसी फील आती है। वो शुगर का नोट इसको बहुत ब्यूटीफुल बनाता है, और मैं बता रहा हूँ शुगर का नोट जिन जिन परफ्यूम्स में है ना मैंने ट्राई किए, यार इतने ब्यूटीफुल होते हैं ना, वो हद से ज़्यादा शुगर नहीं होता, हद से ज़्यादा उसको मीठा नहीं बनाता, वो उसको परफेक्ट बना देता है। परफ्यूम्स के अंदर थोड़ी सी मिठास होनी चाहिए, जो थोड़े गुरमॉन्डिश कैटेगरी में, जो थोड़े आउटिंग टाइप की कैटेगरी में, फ्रेश वालों को छोड़कर मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी मिठास हर एक में चाहिए होती है। इसके अंदर जो शुगर और इसके अंदर जो स्वीटनेस है बिल्कुल 10/10 परफेक्शन पर है, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल बीच में। और इसको अल्टरनेटिव बता दें, बिली आइलिश एक परफ्यूम है, आई डोंट नो उसका नाम ही है या ब्रांड का नेम है, मैं जानता हूँ सेलिब्रिटी का नेम है, पर उसका अल्टरनेटिव बताते हैं, वो खुद इतना महंगा नहीं आता, 4-5 हज़ार की खुशबू आती है। बाकी इस खुशबू का मैं हो चुका हूँ दीवाना, मेरे को मीठी खुशबू बहुत कम पसंद आती है, पर ये बहुत ब्यूटीफुल है। और इसका जो शुगर का नोट है वो मेरे को याद दिलाया, मंसेरा का भी लॉन्च हुआ है लेटेस्ट, एमोरे कैफे, उसके अंदर भी ब्राउन शुगर का नोट है, और उसको भी बहुत ब्यूटीफुल बताते हैं। अभी मौका नहीं मिला उसको ट्राई करने का, और उनको कई बंदों ने बताया ट्राई करके, बहुत ही ब्यूटीफुल खुशबू है, बिल्कुल गोरमॉन्डिश टाइप की, सिग्नेचर टाइप की खुशबू। और जैसी दिल्ली में सर्दी चल रही है भाई, दिल्ली में सर्दी सबको पता है बिल्कुल तोड़ देने वाली होती है, 0 डिग्री भी जाता है और दिल्ली में 55 डिग्री भी जाता है, इतनी खतरनाक जगह है दिल्ली। तो अभी दिल्ली में सर्दियाँ चल रही है, जनवरी चल रहा है, तो 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री बहुत नॉर्मल, अभी भी बैठो हाथ ठंडे पड़े, पैर ठंडे पड़े हैं, तो इस मौसम में बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे जिग्सॉ पजल होता है ना, बिल्कुल ऐसे ये फिट करा, बिल्कुल इस मौसम के लिए ही है ये। पर ये गर्मियों में शाम में भी लगाया जा सकता है, जिन लोगों को स्वीट परफ्यूम पसंद है, वनीला परफ्यूम पसंद है, ये बहुत ही बढ़िया लगेगा और ये बहुत ही अच्छा एडिशन होगा। और बॉटल भी अच्छी दिख रही है, क्वालिटी भी सेंट की अच्छी, बस हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट है, 5-10 सेकंड का, मैनेजेबल चीज़ है, और लॉन्जिविटी बहुत बड़ी है, ये इसकी सबसे बेस्ट बात है। मुझे नहीं पता था कि लताफा इतनी लंबी लॉन्जिविटी दे देगा, बदिया लूद अच्छी देता है, 3-4 दिन कपड़ों पर निकाल देता है, और अपने जितने भी इसके मेरे को अच्छे लगे, अनाबियत बहुत अच्छी देता था, और अब ये आया है 20 मोड़ निकल के। और मेरे को इस चीज़ से ये समझ आई है कि लताफा जो एक सस्ता ब्रांड है, बजट ओरिएंटेड ब्रांड है, उसकी जो प्रीमियम सीरीज़ है, महंगी सीरीज़ है, उनके अंदर वो अलग ही तरह की चीज़ और DNA और क्वालिटी दे रहा है। तो थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा इस पे, और मेरा प्लान है कि इस संडे अगर मैं जाऊंगा स्टोर पर, तो मैं लताफा का एक आता है USL का ब्लू इलेक्ट्रिक, वो डिसकंटिन्यू हो रखी है फ्रेग्रेंस, और उसकी हाइप भी बहुत है, बाहर वाले बहुत हाइप बनाई है उसकी, तो उसका एक अल्टरनेटिव आता है लताफा, मुझे नाम नहीं याद, मैं फोटो दिखा दूंगा उसकी, तो मैं वो शॉप करके लाऊंगा और देखूंगा कि हाइप है किस बारे में। मुझे ऐसा क्लोन ट्रीट नहीं करूंगा, उसके ऊपर खुशबू देखेंगे कितना अच्छा है नहीं है, जिस 2-2.5 हज़ार के ब्रैकेट में आता है वो क्या लेना वर्थ है, जैसे ये आता है 2.5 हज़ार के ब्रैकेट में, ये लेना पूरा वर्थ है।
अगर आपको वनीला नहीं भी पसंद ना, चांसेस बहुत हैं आपको पसंद आए। मेरे एक फ्रेंड आया था घर पे, जो बंदे लाइव पर रहते हैं इंस्टाग्राम पर वो जानते हैं, वो स्कैम वाला सीन जो हुआ था इस दोस्त के साथ में, तो वो वनीला परफ्यूम बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसके कलेक्शन में एक भी वनीला परफ्यूम नहीं है, जिस परफ्यूम में वनीला होता वो छोड़ देता उसको। मैंने आते उसको लगाया, उसको अति पसंद आ गया, वनीला का हेटर है वो पूरा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसको पसंद आया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये इनऑफेंसिव जा रहा है उस लाइन में कि स्वीट भी है पर इनऑफेंसिव भी है उन लोगों के लिए जिनको स्वीट नहीं पसंद, तो अच्छी चीज़ है इसके बारे में। बाकी बहुत सिंपल सी इसकी खुशबू है, बिल्कुल स्वीट गुरमोंडिश केक शॉप टाइप की खुशबू आती है, वनीला टाइप की, चॉकलेटी, ऐसे कंडेंस्ड मिल्क जैसी, मिठाई जैसी, ये सब इसमें चीज़ आती है। बाकी अल्ट्रा स्वीट नहीं है, बिल्कुल मॉडरेटली स्वीट है। मैंने कहा अल्ट्रा मिल और 9 PM वाला जो DNA है उससे कम स्वीट लगता है, वेल राउंडेड लगता है, अच्छी क्वालिटी है, सब कुछ अच्छा है। और कुछ डिस्कशंस भी कर लेते हैं जब हमने वीडियो स्टार्ट करी है, तो क्योंकि वीडियो रोज़ रोज़ नहीं बनती, जब बनती है तो एक बार कर लेते हैं अच्छे से बातें। ये परफ्यूम मैंने मंगाया था, मैंने सोचा था इसके आगे वीडियो बनाऊंगा, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, क्रीड का नॉक ऑफ, बिल्कुल गिरा हुआ, 300 रुपये का, ग्रीट नाम है इसका, बिल्कुल ही कोई कॉलर पे रिंग भी नहीं है, और इसको मैं नहीं स्प्रे करूंगा यार, गंदी स्मेल है इसमें, बिल्कुल साबुन का पानी। और कोई सोच रहा है कि ग्रीट या किसी और नाम से क्रीड एवेंटस के अच्छे ऑल्टरनेटिव मिल जाएंगे, भाई नहीं, पैसा बर्बाद मत करना, मैंने अपना पैसा इसलिए बर्बाद करा कि मैं आपको बता सकूं। अब बात करते हैं थोड़ी सी रेहान की। रेहान की हाई बाहर है, यहाँ नहीं है, मैंने यहाँ इसलिए लिया कि मैं आपको बता सकूँ बाहर वालों की वीडियो देखकर, यहाँ परफ्यूम मत लिया करो, यहाँ के बंदे को रिव्यू करने दिया करो, देख लो कि कैसा रिस्पांस है, खुशबू कैसी है, क्वालिटी कैसी है। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं चाहता नहीं था ये बोलना पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्वालिटी नहीं अच्छी लगी, सेंट प्रोफाइल नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल नॉर्मल 500-600 वाले परफ्यूम्स होते हैं वो भी आजकल इतना कॉम्पिटिशन है कि वो बहुत अच्छे स्मेल करते हैं, पर ये आज भी पुराने ज़माने के 500-600 वाले परफ्यूम जैसे स्मेल करता है जब से 1-2 साल पहले आते थे। तो बहुत एवरेज खुशबू है, इस पर पैसा मत डालना। अब मैं कह नहीं सकता कि क्या सीन है, लोग कह रहे हैं कि मेरे को DM में WhatsApp पे लोग कह रहे हैं कि रसासी की सिस्टर कंपनी है, थोड़े सस्ते परफ्यूम डंप करने के लिए ये वो, मुझे नहीं पता पीछे क्या सीन है, पर इसकी खुशबू बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है, लॉन्जिविटी नहीं अच्छी, खुशबू भी नहीं अच्छी, पता नहीं क्यों इतना हाई बिहार भार। ठीक है, और ये थोड़े से मेरे कलेक्शन में रखे हुए हैं जो विंटर स्पेसिफिक परफ्यूम्स हैं, जो मैंने ये सब रखे हुए हैं। बाकी गुड न्यूज़ भी देनी है, आपने कम्युनिटी पोस्ट पर देखा होगा गिव अवे होने वाला है, 10 बंदे जीतेंगे उस गिव अवे में, नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो में हम उस गिव अवे को अनाउंस करेंगे। बाकी अगर गिव अवे की और जानकारी चाहिए इंस्टाग्राम पर आ जाओ, मैं दिखाता हूँ है क्या गिव अवे में। तो भाइयों ये देखो, मस्ती मजाक करते करते इतना सारा नीश का कलेक्शन भाई हो गया है, ये नीश कंपनी का सामान है सारा का सारा भाई, इतनी बढ़िया क्वालिटी का सामान है ना, मैं बस क्या बताऊं। अब मैं तुमको एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि इस परफ्यूम की वीडियो नहीं है, इनकी यानी अगली, मेरे पास इन टोटल आप गिनना कितने हो चुके हैं, ये तो फीमेल कलेक्शन का है और इतना बढ़िया परफ्यूम है, बस क्या बोलूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 परफ्यूम मैंने एक्वायर कर चुके हैं और अभी 4 बॉटल मेरी पेंडिंग है, वो आनी है, अब बस मैं वेट करूँ कब आए और मेरा ये कलेक्शन पूरा हो जाएगा। एक परफ्यूम की मैं 5 बैकअप बॉटल रख रहा हूँ, 5 बैकअप बॉटल, ये कभी भी नहीं हुआ है, एक भी बैकअप बॉटल आज तक नहीं रखी थी और एक ही की रखूँगा और 5 रखूँगा। मेरी सर्ज ऑफ्स की 2 शॉपिंग कैंसिल हो चुकी हैं क्योंकि इस ब्रांड ने थोड़ा सा उसको रिप्लेस कर दिया। तो एक बार इनको ज़रा सा साइड रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि गिव अवे क्या है। तो मेरी इस ब्रांड से थोड़ी कन्वर्सेशन हो रही थी कि अपनी ऑडियंस को हम क्या फ़ायदा दिला सकते हैं, क्या बेस्ट दिला सकते हैं, तो सबने देख लिया होगा भाई वेबसाइट पर बस एक ही प्रोमो कोड रन करते हैं, 10% ऑफ होता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था मेरे प्रोमो कोड पे 22% या 23% है, पर थोड़ा सा चेंज है, 20% हो गया और डिस्काउंट कोड, वो बहुत जल्दी बंद हो गया था, टाइम लिमिटेड था वो क्योंकि डिस्काउंट कोड, अब डिस्काउंट कोड है SENT20, 20% ऑफ है, सारा का सारा आप पे, कोई चीज़ में कमीशन मार्जिन कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, ये रहा भाई अपना गिव अवे का सामान, 10 ml के 10 आए हैं और ये सिर्फ गिव अवे के लिए आए हैं और ये सिर्फ मेरी ऑडियंस के लिए आए हैं, तुम्हारे लिए हैं सारे, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। तो पहली कंडीशन ये रहेगी, सब्सक्राइब होने चाहिए तुम सारे, सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो मिस ना हो, उसमें हम सारा डिटेल देंगे, इंस्टाग्राम पर आ जाना, थोड़ी और फाइन डिटेल से ही हो। ये वेबसाइट पर भी लॉन्च नहीं हुए 10 ml का, आप सबने देखा होगा वेबसाइट पर 15 ml है, 15, 50 और 100, ये 3 क्वांटिटी है, ये 10 ml आए हैं और ये 10 के 10 मैंने अपने फेवरेट वाले मंगाए हैं कि जो मुझे बेस्ट लगते हैं उन्हीं का गिव अवे मैं करूँगा, मैंने रिक्वेस्ट करी तब ये सब हो पाया। इसके अंदर मेहर है, लक्स हयात है, हॉट टोबैको है
और कोलोन सोफिस्टिक है और साथ में ग्लेज्ड वाटर है। सबके दो दो काउंट है, 5 परफ्यूम्स हैं, सबके दो काउंट है, 10 परफ्यूम्स हो गए, पूरा 100 ml का गिव अवे है और 10 बंदे जीतेंगे तो बेस्ट चीज रहेगी, थोड़ा फन भी आएगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हर महीने एक गिव अवे तो कर दिया करें क्योंकि फायदा होता रहना चाहिए यार बंदों का, तो यही सीन है। तो भाई गिव अवे भी होने वाला है आज, इसका हमने रिव्यू भी कर दिया जो मुझे इतने दिन से चुल हो रही थी कि इसके बारे में बताना है, तो भाई इसका भी कर दिया। ये मैं कितना रिकमेंड करता हूँ, मैं इसको 10/10 रिकमेंड करता हूँ। मुझे लगता है लताफा का वन ऑफ द बेस्ट है ये, मैंने बताया तीन ही मेरे को बेस्ट लगते हैं, एक तो ये अनाबियत वाली सीरीज़, एक बदियलूद वाली सीरीज़ और एक ये नेब्रास। अब देखते हैं अगला भी एक परचेज करूंगा, देखते हैं कितना अच्छा निकलता है। बाकी भाई आज की वीडियो बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल थी, एक इसका छोटा सा रिव्यू देना था। बहुत कॉम्प्लेक्स परफ्यूम नहीं है, बड़ा इजी गोइंग परफ्यूम है, बड़ा डिलाइटफुल परफ्यूम, बड़ा वेलकमिंग परफ्यूम है, बहुत अच्छा लगेगा, कॉम्प्लीमेंट पक्का लेकर आएगा। इसमें वो स्वीट फैक्टर है जिस स्वीट फैक्टर पर कॉम्प्लीमेंट मिलता है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, सब कुछ अच्छा है इसके बारे में। ये घर वालों तक को पसंद आ गया, और क्या लोगे, नॉन वनीला लवर्स तक कोई पसंद आ गया। तो भाइयों आज की वीडियो के लिए इतने ही, सारे बंदे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट में लिए कोई सजेशन हो दे देना, कोई आप परफ्यूम रिव्यू कराना चाहते हो या फिर कुछ बताना चाहते हो अपना इंप्रेशन इस लताफा की महंगी वाली सीरीज के बारे में जो प्राइड सीरीज है। आगे आने वाली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे भाइयों बाय बाय।